जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं बहिर मोगरे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बियर कंपनियों पर सीसीआई के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 873 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ऐसा बोला जा रहा था कि वो कार्टेल सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो क्या होता है कार्टेल सिस्टम, क्या है पूरा मसला और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर हम एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें, अगर हम जनरल अवेयरनेस परस्पेक्टिव से देखें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि लास्ट वीक तीन बियर कंपनीज पर, मतलब UBL, CIPL और एनहोसर बूंच इन बेव इंडिया, इन कंपनीज पर ये इल्जाम लगाया गया कि वो पूरा डेकेड, मतलब 2009 से लेकर 2018 तक जो बियर के प्राइजेस है वो फिक्स कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो बियर के प्राइजेस है कंपनीज ही तो फिक्स करेंगी ना, क्या जनता फिक्स करेगी? अगर जनता फिक्स करेगी तो लूट जाएंगे, है ना? तो फिर कंपनीज ही तो फिक्स करेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब मैनिपुलेटिवली ये प्राइजेस जो है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है वो अब कहीं जा ही ना पाए, उसको मजबूरन वही प्राइस पर चीजें जो है वो लेनी ही पड़े। नहीं तो दूसरा तरफ क्या होता है, कंपटीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है कि एक ने अगर इतने प्राइसेस रखे हैं, दूसरा जो है वो उससे कॉम्पिटिटिव प्राइस रखता है, तीसरा जो है वो और कॉम्पिटिटिव प्राइस रखता है, या फिर एक ने अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आया उससे बेहतर प्रोडक्ट जो है वो आपको दूसरी जगह देखने को मिलता है, उससे बेहतर आपको दूसरी जगह देखने को मिलता है ना? तो इस तरीके से क्या होता है, कॉम्पिटिशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब कार्टेल सिस्टम हो जाती है, लेकिन जब इस तरीके से मैनिपुलेटिवली प्राइजेस को फिक्स किया जाता है, उस समय पर जो कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जाती है। कंपटीशन खत्म, पैसा हजम, मतलब जितना पैसा है वो कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा। और क्या क्या नुकसान होते हैं वो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, ये जो मैनिपुलेटिव प्राइजेस है, ये सब फिक्स करने की वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने यहां पर पेनाल्टी दी 873 करोड़ की कंपनीज पर भी, ऑल इंडिया ब्रीवर्स एसोसिएशन पर भी, और 11 इंडिविजुअल्स जो इस कार्टेलाइजेशन में शामिल थे उन पर भी यहां पर जो पेनाल्टी है वो लगाई गई। ह्यूज पेनाल्टी है बॉस, बहुत ज्यादा पेनाल्टी यहां पर लगाई गई है। अब यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर कोई कंपनी हेल्प कर रही है तो उसमें सहूलत जो है वो भी यहां पर प्रोवाइड की गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है हम इन दी एंड देखेंगे। तो यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही है कंपनी, जो इन्वेस्टिगेशन यहां पर चल रही है उसमें अगर हेल्प कर रही है तो उसमें रिलीफ भी दिया गया। जैसे कि यहां पर जो बूंच इन बेव इंडिया है जिसके द्वारा ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सेल किए जाते हैं, बडवाइजर, कोरोना, हेवर्ड्स, कोरोना मतलब कोरोना वायरस नहीं, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिए जाते हैं ये सभी को 100% रिलीफ जो है वो दिया गया पेनाल्टी से, क्योंकि ऑफिशियल जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे थे। तो मतलब क्या है कि अगर आप हेल्प कर रहे हो तो हम आपको सहूलत भी देंगे, अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हो तो फिर हम आपको सहूलत जो है वो नहीं देंगे। अब यहाँ पर कंपनीज का क्या बोलना है, कंपनीज जो है उन्होंने ऐसा क्यों किया, कंपनीज अपने तरफ से भी तो कुछ चीजें रखेगी। तो कंपनीज जो उन्होंने तो गवर्नमेंट रूल को ही ब्लेम कर दिया, उन्होंने कहा कि यार जो गवर्नमेंट है ना इनके जो कानून है वही यहाँ पर अच्छे नहीं है, मतलब हर बार जब भी हमको प्राइजेस जो है उसको फ्लक्चुएट करना है, प्राइजेस इंक्रीज करना है, प्राइजेस डिक्रीज करना है, तो हमें यहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज जो उनके यहाँ पर प्राइस रिविजन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये क्या मतलब बना, हमारी कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट्स है, हम जो दाम पर चाहे बेचना चाहे, आज हम 100 रुपये रख रहे हैं कल हम 120 रखेंगे, फिर परसों हम 240 रखेंगे, फिर उसके बाद हम 500 रखेंगे, फिर हम 1000 रखेंगे। हमें पता है अल्कोहल है, लोग तो है आने ही वाले हैं लेने के लिए, वो तो कितनी भी प्राइस रखेंगे तो भी आने वाले हैं लेने के लिए, तो फिर हमको जितनी प्राइस रखना है उतनी प्राइस हम रखेंगे, हम आपकी क्यों सुने, हम आपका अप्रूवल जो है बार बार क्यों ले। तो ये यहाँ पर कंपनी जो है उनके द्वारा बोला जा रहा था। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, अब आपको मैटर जो है वो तो समझ में आ गया, मेन मुद्दे पर आते हैं कि कार्टेल जो है वो क्या होता है, क्योंकि इसी वजह से कार्टेल जो है वो किया गया, इसी वजह से इतनी हाई पेनाल्टी, लगभग 850 करोड़ की पेनाल्टी जो है यहाँ पर लगाई गई है। तो देखिए फिक्स डेफिनेशन जो है इसकी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा माने तो यहाँ पर देखने को मिलता है कार्टेल जो है इसमें एसोसिएशन देखने को मिलता है प्रोड्यूसर्स का, सेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का, ट्रेडर का, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स का, कि मतलब जो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर चीजें जो है वो बेच रहे हैं, जो भी यहाँ पर चीजों को बना रहे हैं, इन सभी का एसोसिएशन देखने को मिलता है कि ये सब एक साथ में आ गए, ये सब एक आ गए, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक अग्रीमेंट जो है उनके बीच में वो यहाँ पर होता है, जिससे कि वो जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का, जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोविजन दिए जा रहे हैं,
उन सभी को यहाँ पर लिमिट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जिससे क्या हो, जिससे या तो प्राइजेस जो है वो यहाँ पर फिक्स रहे, या फिर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर फिक्स रहे, जिससे कि उसकी डिमांड जो है वो हाई होती जाए, एंड देन उसके बाद प्राइजेस जो है वो भी अपने आप हाई होंगे। तो ये जो है ये होता है कार्टेल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेसिकली, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेसिकली इसकी प्रोड्यूसर्स की, सेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, वो यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर सेल हो रहा है उसे कंट्रोल करते हैं, उसकी जो प्राइजेस है उसको कंट्रोल करते हैं, उसे हम कहते हैं कार्टेल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पेट्रोल है, पेट्रोल आपको क्या हो रहा है हर जगह सेम देखने को मिल रहा है, हर जगह उसकी कीमत जो है वो सेम है ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप एक स्टेट में जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह पर पेट्रोल की जो कीमत है वो सेम देखने को मिलती है ना। तो इस तरीके से कार्टेलाइजेशन सिस्टम के हर जगह जो है वो चीजें हमें सेम दिखाई दे। देन उसके बाद यहाँ पर थ्री कॉमन कंपोनेंट जो है कार्टेल के वो होते हैं। एक तो होता है अग्रीमेंट, यहाँ पर जो लोग हैं उनमें अग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो अग्रीमेंट है ये फॉर्मल या फिर रिटर्न हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर चार पांच दुकानें हैं, ठीक है। अब चार पांच दुकानें हमें देखने को मिलता है ना, ऑटो स्टैंड जो होता है, ऑटो स्टैंड वाले खड़े होते हैं, भैया कितने में जाओगे वहां पर, 40 रुपए, कितने में जाओगे 40 रुपए, कितने में जाओगे 40 रुपए, कितने में जाओगे 40 रुपए, सब 40 40 40 40 बताते रहते हैं, सब 50 50 50 बताते रहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है ये कोई रिटर्न लिखा है उन्होंने कि नहीं भा हम इतना इतना किलोमीटर जो है हमेशा 50 रुपए बताएंगे, फिर उसमें से एक ऑटो वाला जो है वो खुश के आ जाता है, देखो किसी को बताना मैं 30 रुपए में लेके जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, फॉर्मल या फिर रिटर्न रहेगा वो जरूरी नहीं है। इसमें अग्रीमेंट बिटवीन द कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर्स है, एक ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले कॉम्पिटिटर है ना, एक कंपनी वाला दूसरे अगर सेम चीजें बेच रहे हैं तो उसका कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिससे कि कॉम्पिटिशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसमें कॉम्पिटिशन होगी क्या, नहीं होगी, भाई तेरे पास आ रहा है तेरे को 40 मिल रहा है, मेरे पास आ रहा है मेरे को 40 रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कार्टेल जो है वो काम कैसे करता है, सबसे पहली चीज तो आती है प्राइस फिक्सिंग, कि यहाँ पर प्राइस जो है वो फिक्स कर दी जाती है कि आप कहीं पर भी आप जाओगे आपको इतनी ही रुपए जो है उसमें लेने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो बियर है ये 220 रुपए की अगर आपको मिल रही है तो 220 रुपए की हर जगह 220 220, हर सारी बियर 220 220 220, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अब एक बियर जो है अगर वो 220 की हो रही है, दूसरी बियर 200 की मिल रही है, तीसरी बियर 180 की मिल रही है, तो लोग क्या है नशाई करना है 180 की ले लेते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइस फिक्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई 180 180 कुछ नहीं, सब 220 की ही बेचेंगे, लेने दो उसको जो वाली लेना है वो। देन आउटपुट रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, आउटपुट रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर जो आउटपुट निकलेगा उसमें रिस्ट्रिक्शन ला दो, ठीक है, कि कितने निकलने वाले हैं। अब समझ लो यहाँ पर 100 निकल रहे थे उसके, तो अब अगर 85 निकल रहे हैं तो यहाँ पर डिमांड जो है बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम हो गया। देन मार्केट एलोकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में पूरी तरीके से एक ही चीज़ जो है उसको एलोकेट कर दो, किस तरीके से एलोकेट करेंगे। एंड यहाँ पर बिड रिगिंग जो है वो हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से बिडिंग हो रही है। तो यहाँ पर कार्टेल सिस्टम जो है चार इसके कंपोनेंट होते हैं, प्राइस फिक्सिंग होता है, आउटपुट रिस्ट्रिक्शन होता है, मार्केट एलोकेशन होता है, एंड बिड रिगिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर इल इफेक्ट्स क्या है, अब यहाँ पर अगर हो भी रहा है कार्टेल सिस्टम तो इससे फर्क क्या पड़ता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंज्यूमर को बहुत बड़ा लॉस होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई प्राइसेस जो है वो सेट किए जाते हैं। देखिए ये एक तरीके का मोनोपोली भी हम बोल सकते हैं, जैसे मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही आदमी राज कर रहा है, बाकी कोई है ही नहीं उसके कॉम्पिटिशन में, एक ही आदमी राज है, तो जो प्राइस लगाएगा वो उसको मतलब वो लेना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इसमें चल जाते हो, क्या बोलते हैं, तो कोई मॉल में चले गए, मॉल में जाने का, कोई पीवीआर में चले गए, कोई थिएटर में मूवी देखने के लिए चले गए, अब वहाँ पर पॉपकॉर्न जो है जो बाहर 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए का भी मिलेगा, वो अगर वहाँ पर 100 रुपए का बेच रहा है तो लेना ही पड़ेगा। क्यों, उसकी मोनोपोली है वहाँ पर, वहाँ पर और कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, वहाँ पर और किसी के पास जा ही नहीं सकते हो, बाहर का खाना अंदर नहीं ला सकते हो। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हाई प्राइसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। दूसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, छोड़ो ना यार ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट झक मार के उनको लेनी पड़ेगी, किसके पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे तो वही चीज़ है, उतने रुपए में उनको लेना है तो क्या करना है, फिर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो कोई इनोवेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्या, उसका उसका कोई इनोवेट हो पाएगा, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर इनोवेट नहीं होगा तो उसकी इफिशियंसी जो है वो यहाँ पर कम ही रहेगी। तो मतलब अगर यहाँ से देखे जाए तो मोनोपोली से भी डेंजरस है यहाँ पर कार्टेलेस सिस्टम, मोनोपोलीज, क्योंकि मोनोपोली जो है उसमें एटलीस्ट वो कोशिश तो करते हैं कि कुछ इनोवेशन लाए, कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जो पैसा आया है उसको उसी में इन्वेस्ट करे, एंड देन यहाँ पर इफिशियंसी जो है उसको रेज करे, जिससे कि अगर कोई कॉम्पिटिशन में आने की कोशिश करे तो फिर वो आने के पहले ही मर जाए। लेकिन यहाँ पर तो उनको पता है कि कोई कॉम्पिटिशन में आ ही नहीं सकता है, दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो जबरदस्त 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 चलता आ रहा है।
तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर हाई प्राइजेस, इन्वेस्टमेंट कम रहती है, इनोवेशन नहीं होता, एफिशिएंसी कम रहती है, ये सारे इल इफेक्ट जो है हमें इसके देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, कि कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो इसने यहाँ पर इस पर ये लगाया है, पेनाल्टी लगाई है, तो इससे तो एक साबित होता है कि यार ये जो है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या, कि यहाँ पर उस पर निर्णय लेने का भी उसको अधिकार है। जुडिशियरी क्या करती है, जुडिशियरी यहाँ पर निर्णय देती है, तो ये कॉसी मतलब सेमी जुडिशियरी यहाँ पर आती है, कि यहाँ पर ये इस मामले में कंपटीशन अगर कोई खराब कर रहा है उस मामले में निर्णय जो है वो अपना देगी ही देगी। तो कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया अगर हम देखते हैं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या, किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत यहाँ पर लाई गई है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009, एंड मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है उसे वो रिप्लेस किया गया बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है, यहाँ पर राघवन कमिटी जो उसके रिकमेंडेशन के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रिकमेंडेशन पर यहाँ पर लाया गया है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि भाई कॉम्पिटिशन जो है उसको इंक्रीज किया जाए, कॉम्पिटिशन को मेंटेन किया जाए। अगर कोई कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोशिश करता है तो उस पर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर शुरू करे। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा मसला है अच्छे तरह समझ में आ गया होगा, कार्टेल सिस्टम क्या होती है वो समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके के वीडियोस, और अगर आप कोई किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप MM Academy विजिट करना ना भूलेगा। या तो आप MM Academy ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप विजिट कर सकते हो themmacademy.in, आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आपको जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से कोर्सेज जो है वो बनाए गए हैं और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा दिलाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।